इस्पात एंड पावर में हड़ताल के दौरान पुलिस बस में आगजनी और पथराव की घटना को क्षेत्रीय विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कलेक्टर रायपुर से बात की है। सिलित्रा स्थित एसकेएस फैक्ट्री मामले में विधायक अनिता शर्मा ने मुख्यमंत्री को घटना से अवगत कराते हुए घटना के वास्तविक दोषियों पर कार्यवाही और निर्दोष लोगों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न हो यह मांग की है। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर रायपुर से भी चर्चा की है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र जैन ने इस संबंध में चर्चा किए। घटना हुई है, इस संबंध में आपका क्या कहना है और आगे क्या कार्रवाई होगी? जो घटना हुई है मैं उसका तो सबसे पहले निंदा करती हूँ कि हमारे शांत एरिया धरसीमा में कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। और जो उपद्रवी लोग जो लोग आके आंदोलन के बीच में जो लोग गलत किए हैं, जो लोग तोड़फोड़ किए हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर जो लोग पत्थरबाजी किए हैं, उनके ऊपर तो सबसे पहले सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी बात कलेक्टर साहब से भी हुई है, सीएम साहब से भी हुई, कंपनी प्रबंधक से भी बात हुई और हमने सबसे यही कहा है कि हमारे क्षेत्र के ग्रामीण जो निर्दोष हैं उनके साथ कोई प्रकार के अन्याय नहीं होना चाहिए और जो उपद्रवी लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। अच्छा, लंबे समय से फैक्ट्री कर्मी जो मांग कर रहे हैं कि वेतन वृद्धि की जाए, कोरोना काल के कारण नहीं हुई थी और उनकी उन्होंने 14 जुलाई को भी किया था, लेकिन प्रबंधन की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं मिला, इस कारण से हड़ताल हुई। फिर हड़ताल के दौरान चूंकि आगजनी की घटना हुई तो इसमें कोई साजिश भी लगती है और फैक्ट्री प्रबंधन का कैसा लगता है आपको रोक इस मामले में? अब उस मामले को मैं जो मैं सुनी हूँ वही चीज बता पाऊंगी क्योंकि मैं वहाँ प्रत्यक्ष दर्शी नहीं हूँ। जो प्रत्यक्ष दर्शी हैं और जो पुलिस प्रशासन से मैं जानकारी ली हूँ उसे कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, सारी मांगें पूरी हो गई थी, कुछ मांग के नाम से अटका हुआ था, बाकी सब मान गए थे, कर्मचारी काम में भी आने के लिए तैयार हो गए थे, सब कुछ शांत हो गया था। अब कहाँ से ये उपद्रवी लोग कहाँ से आए, कैसे आए, अब इसका कोई पहचान नहीं हो पाया है, मतलब पुलिस प्रशासन भी नहीं बता पा रही है कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से हैं, ये जांच की मुद्दा, मतलब ये साजिश है, किसी न किसी तरीके से साजिश हुई है और ऐसे साजिशकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग है हमारी और उनको जांच का विषय बनता है, जांच होगा उसमें। और ये जो निर्धारित जो रेट की मजदूरी है मजदूरों को, वो तो फैक्ट्री कर्मी है जो हड़ताल कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्रियां हैं ऐसी जो निर्धारित रेट से मजदूरी नहीं दे रही हैं अभी भी, तो इस मामले में क्या कहेंगे आप? इस मामले में मैं तो अधिकारियों को कहूंगी कि जो हमारे उद्योग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जो लोग इसमें देख रहे हैं, हम उनसे भी बात किए हैं कि किसी भी मजदूर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो रेट दर तय हुआ है शासन से उस रेट से उनको वेतन मिलना चाहिए, ये मांग तो हमारी पहले से चल रही है और आज भी है।